अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अलीम फ्रॉम स्किल्स अकेडमी। कस्टम डोमेन के साथ हमारी SSL भी एक्टिवेट हो चुकी है। अब हम चलते हैं एडमिन पैनल की तरफ। तो आपने जाना है आइडेंटिटी में और यहाँ पे ये जिस ईमेल पे आपका अकाउंट क्रिएट हुआ है, तो आप इसे ओपन करेंगे। उसके बाद एड्रेस सेटिंग्स और यहाँ से इसको रोल आप देख सकते हैं एडमिन का, सेव चेंजेस। उसके बाद हम अपनी वेबसाइट का एडमिन पैनल ओपन करेंगे, POP-Gamer, डोमेन का नेम लिख के उसके बाद /admin। उसके बाद लॉग इन विद नेटिफाई आइडेंटिटी और यहाँ पे अपना ईमेल पासवर्ड लिखेंगे। उसके बाद ये ब्लॉग पे यहाँ पे पोस्ट शो हो रही हैं और यहाँ पे आपके पेज शो हो रहे हैं। तो जो पहले कुछ पोस्ट हैं इन्हें हम डिलीट कर देंगे। चलिए न्यू ब्लॉग और यहाँ पे अपनी पोस्ट का टाइटल और उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। अगर आप फीचर करना चाहें तो फीचर, ये इसका सारा डिफ़ॉल्ट इंटरफेस है। आपको एक कस्टम टेम्पलेट यूज़ करनी पड़ती है अगर आप इसे एफिलिएट वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो। उसके बाद इसकी इमेज चूज़ करते हैं हम और उसके बाद दिस इज ऑन ब्लॉग पब्लिश टैग्स। इसमें कैटेगरीज जो होती हैं वो आपके टैग्स कहलाते हैं। उसके बाद पब्लिश नाउ। तो ये वर्डप्रेस की तरह नहीं होता, जब भी इसमें आप कोई न्यू पोस्ट ऐड करते हैं या डिलीट करते हैं या कोई चेंजिंग करते हैं तो ये सारा दोबारा से बिल्ड होता है, जिसके ऊपर एक आधा मिनट लग जाता है। तो जब यहाँ से पब्लिश होता है उसके बाद यहाँ पे चेंजेस अपीयर होती हैं। अभी तक बिल्ड हो रही है। तो अब यहाँ पे पब्लिश शो हो रहा है, तो अब हम रिफ्रेश करेंगे तो चेंजेस हो गए होंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो हमने पोज डिलीट की थी वो डिलीट हो गई है और अब यहाँ पे ये न्यू पोज हो रही है। तो अब हमें इसे सारा बैकएंड से चेंज करना पड़ेगा, इसकी ये सारी चीज़ें एडिट करके इसकी डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट एडिट करनी पड़ती है। तो इंशाल्लाह हम चेंजेस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए।